नमस्कार, ये है ऑटोक्लेव ड्रम। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ऑटोक्लेव हुआ था 6 तारीख को। 72 घंटे से ऊपर ऑटोक्लेव नहीं चलता है, उसके बाद उसमें रखी चीज़ें अनस्टेराइल होने लग जाती हैं व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। इसे ऑटोक्लेव पर भेजते समय इसकी खिड़की को यूँ खोल दिया जाता है ताकि ऑटोक्लेव का धुआं अंदर से बाहर से अंदर की ओर अच्छे से प्रतिष्ठित हो सके। ऑटोक्लेव होने के बाद इसे ऐसे बंद कर दिया जाता है। ये है स्टेराइल गॉज पैकेट, इसके ऊपर भी ऑटोक्लेव की तिथि लिखी जाती है ताकि हमें पता रहे कि 72 घंटे के अंदर अंदर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर गॉज पीस हैं जो स्टेरिलाइजेशन के लिए भेजे जाते हैं। ये है स्टेराइल चिटल फोर्सेप, इसे हमेशा कमर के ऊपर ही पकड़ें। कमर के नीचे का हिस्सा व पीठ अनस्टेराइल मानी जाती है, गीली सतह भी अनस्टेराइल मानी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेराइल चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम जानेंगे स्टेराइल गॉज पीसेस को ट्रांसफ़र करने का तरीका। सबसे पहले फ्लैप को ऊपर से पकड़कर खोलिए, फिर दूसरे फ्लैप को खोलिए, फिर तीसरे फ्लैप को खोलिए, चौथे फ्लैप को खोलने के लिए चिटल फोर्सेप का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये स्टेराइल वस्तुओं के सीधे प्रयोग में आ रहा है। फिर स्टेराइल ड्रम को खोलिए, गॉज पीसेस को चिटल फोर्सेप की मदद से एक एक करके ड्रम में ट्रांसफर करिए। चिटल फोर्सेप को वापस बोतल में डाल दीजिए व ड्रम को सुरक्षित तरीके से दोबारा से बंद कर दीजिए। अब ये ड्रम किसी भी सर्जिकल ड्रेसिंग या घाव की पट्टी करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है या ऑपरेशन के दौरान भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ये स्टेराइल गॉज इसी प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि स्टेराइल गॉज को कैसे काटा जाता है और कैसे क्लीन गॉज को गॉज पैकेट बनाकर डेट इत्यादि लिखकर, डेट ऑफ पैकेजिंग लिखकर ऑटोक्लेविंग के लिए भेजा जाता है। गॉज को काटने के बाद उसे चारों ओर से भीतर की ओर मोड़ें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में इस प्रकार फोल्ड कीजिए। गॉज पैकेट बनाने के लिए पहले जैसे आपने गॉज फोल्ड किया उसी प्रकार चारों ओर से फोल्ड करने के बाद उसके अंदर रुई का एक सतह डाल दीजिए। इस प्रकार रुई की सतह अंदर डाल दीजिए व वापस उन्हें मोड़ दीजिए। ये है गॉज पैड। अब एक इस प्रकार कई सारे गॉज व गॉज पैड बना के एक ट्रे में तैयार रखिए। फिर एक हरी शीट को एक खुली सतह पर बिछा लीजिए व सारे कटे हुए गॉज व गॉज पैड उस पर इकट्ठा कर लीजिए व अपने ओर के फ्लैप को पहले फोल्ड कीजिए, फिर दायां फ्लैप और फिर बायां फ्लैप और चौथे फ्लैप को सबसे आखिर में दूसरे और तीसरे फ्लैप के अंदर फोल्ड कीजिए और ऊपर ल्यूकोप्लास्ट से सील कर दीजिए। ऊपर एक लेबल अवश्य लगाएं। लेबल के ऊपर
तारीख, अंदर क्या सामान है व वार्ड नंबर अच्छी तरह लिखकर उसको गौज पैकेट के ऊपर यूँ चिपका दें व स्टेरिलाइजेशन के लिए। इस प्रकार आपका गौज पैकेट तैयार है व उसे स्टेरिलाइजेशन के लिए भेज दीजिए।